गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टेन पे। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर चौथा ही होगा। इससे पहले मैं तीन लेक्चर बना चुका हूँ। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो तीनों लेक्चर को जाके देखें, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप वीडियो को थोड़ी देर देखेंगे, समझ में नहीं आएगा, फिर स्किप करके चले जाएंगे। फ़ायदा कुछ नहीं होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और आप बेवजह इधर उधर भटकोगे। ये हमारा चौथा लेक्चर है, बहुत डिटेल से हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिकल। बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता कि सर आइडेंटिकल की शुरुआत कैसे करें, हमें कौन सी आइडेंटिटी कैसे लगानी है, कब हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, 10 मिनट लूंगा मैं आपका, 10 से 15 मिनट। एक बार आपने पूरी वीडियो देख ली आपको 100% समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, असंभव टास्क है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जितना अब तक पढ़ा चुका हूँ वो रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी हमने इन चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था पहला, सबसे पहला, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। उसी तरीके से दूसरा क्या पढ़ा था हमने, कोस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच। तीसरा क्या पढ़ा था हमने, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। फिर चौथा क्या पढ़ा था हमने, कोसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। फिर हमने पांचवा पढ़ा था, सेक थीटा इक्वल टू बी अपॉन ओ, एच अपॉन बी। क्या पढ़ा था हमने, एच अपॉन बी। और फिर छठा हमने क्या पढ़ा था, कोट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी। ठीक है, ये हो गए थे हमारे बेसिक आइडेंटिटी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो हमारा सातवा, यहाँ पे जो साइन थीटा होता है वो वन अपॉन कोसेक थीटा के बराबर होता है, या जो कोसेक थीटा होता है वो वन अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। फिर हमने पढ़ा था आठवा, कोस थीटा जो होता है वो वन अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है, और सेक थीटा जो होता है वो वन अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है। फिर नवा हमने क्या पढ़ा था कि जो टेन थीटा होता है वो वन अपॉन कोट थीटा के बराबर होता है, और फिर इसी में हमने क्या पढ़ा था, कोट थीटा जो होता है वो वन अपॉन टेन थीटा के बराबर होता है। क्लियर है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखो, इसके बाद हमने पढ़ा था कोस ए टेन, कि हमने क्या पढ़ा था, जो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितने के बराबर होता है, वन के। फिर हमने पढ़ा था कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका प्रोडक्ट कितने के बराबर होता है, वन के। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था टेन थीटा इंटू कोट थीटा, किसने के बराबर होता है, ये भी वन के। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद हमने तेरह थर्टीन क्या पढ़ा था, जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, फिर हमने फोर्टीन क्या पढ़ा था, जो कोट थीटा होता है वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये जितने भी फार्मूले मैंने बोर्ड पे लिखे हैं इन सबको आप ऐसे A4 साइज की सीट पे लिख लेना। ठीक है, क्यों लिख लेना, क्योंकि इसी से हम आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, और आइडेंटिटी कैसी आती है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सारे फार्मूले एक साथ लिख लोगे तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे और सारे फार्मूले आपके सामने रहेंगे तो आपको धीरे धीरे आइडिया लगने लग जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और हर लेक्चर में बता रहा हूँ कि जैसे ही आप 30-40 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिकल को। लेकिन उससे पहले आपको 30-40 क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है और चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अपना ये सब मैं इरेज कर देता हूँ और फिर आपको मैं बेसिक पे लेके चलता हूँ, जहाँ से हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी पाइथागोरस थ्योरम पे। तो ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, इस सबको मैं इरेज करने वाला हूँ। अब आ जाओ चैप्टर को, हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ट्रायंगल बना देता हूँ, ट्रायंगल बनाने की वैसे जरूरत नहीं है। तो वी नो डैट क्या, कि पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, क्या थी ये, ध्यान से देखना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखना आराम से, अगर मैं इस पूरे को एच स्क्वायर के डिवाइड कर देता हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, डिवाइड होल इक्वेशन बाई एच स्क्वायर, मतलब इस पूरी इक्वेशन को मैंने क्या किया, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान देखो,
एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, एच स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ पे भी एच स्क्वायर, यहाँ पे भी एच स्क्वायर और यहाँ पे भी एच स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। अब देखो इस एस से ये कट के कितना देगा वन, तो वन इक्वल टू इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक, प्लस इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अभी जो मैंने फार्मूले बताए थे, पी अपॉन एच को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा का होल स्क्वायर। और मैं बार बार बता चुका हूँ कि ये स्क्वायर कहाँ आता है, यहाँ पे, इस पर नहीं आएगा, एंगल का स्क्वायर नहीं होता कभी भी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये मेरी एक आइडेंटिटी हो गई, ठीक है, ध्यान रखना, ये हो गई मेरी नेक्स्ट आइडेंटिटीज। तो दोबारा से आप लिख सकते हो जितने लिख लिए थे, ये हो गई मेरी पहली। अब इसको फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इस कोस स्क्वायर थीटा को अगर मैं वहाँ ले गया तो मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ध्यान से गोले बनाते हुए चलना, ये सब हमारी आइडेंटिटीज है, ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटीज होती है, इसका भी यूज होता है, ठीक है, ठीक है। अब इसको फर्दर ध्यान से देखना, अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वन का स्क्वायर कर दूँ तो कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। और यहाँ पे कुछ कुछ आपको वन की जगह ए है और माइनस बी की जगह कोस स्क्वायर है, तो यहाँ पे कुछ कुछ आइडेंटिटी ये लग रही है, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ये, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी को फर्दर मैं ये लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कोस थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, वन माइनस कोस थीटा, क्लियर है। तो ये भी एक तरीके की आइडेंटिटी है, कई बार हमें ये लिखा रहता है तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, तो इस पर भी आप चाहो तो ऐसे बॉक्स बना सकते हो, ठीक है, क्लियर है। और देखो और इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, अब हमने क्या लिखा, अब कई बच्चे कहेंगे नहीं सर मैं कोस को नहीं ले जाऊँगा, मैं साइन को ले जाऊँगा, ठीक है, आप साइन को ले जाओ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेम वही स्कीम, यहाँ पे वन का स्क्वायर कर दिया, कुछ फर्क पड़ा, नहीं। तो ये भी मेरी एक और आइडेंटिटी हो गई, इसको भी आप बॉक्स बना सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना, ये सब आइडेंटिटीज हैं, सबका कहीं ना कहीं यूज पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैं लाइन टू लाइन सबको करवाते हुए चलता हूँ। इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन थीटा, क्लियर है यहाँ तक। तो ये भी मेरी एक और आइडेंटिटी हो गई। तो इतनी सारी तो आइडेंटिटी ये सिर्फ इस फार्मूले की बनी है, क्लियर है, इन सब का यूज पड़ेगा कहीं ना कहीं, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ और बॉक्स बनाते हुए चल रहा हूँ, आप इन सबको ऐसे A4 साइज सीट पे इस तरीके से लिखते हुए चलना, और क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तब मैं बताऊंगा कि फार्मूले की सीट आप अपने सामने रखो, तब देखो आपको कितने धड़ल्ले से एकदम से आपको आइडिया आता लगेगा, लगने लग जाएगा और आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि जितनी बात मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करो स्ट्रिक्टली, ये नहीं कि ऑनलाइन लेक्चर है, ये तो यूट्यूब में फ्री का लेक्चर है, तो इसको तो जो बोल रहे हैं बोल दो, सुन लो, देख लो, और इन जो मतलब देख के टाइम पास कर लो जैसे रील देखते हो, वैसे काम नहीं चलेगा। अच्छे से देखो जितनी बात मैं बता रहा हूँ उसको समझते हुए चलो, नोट डाउन करो। अब आगे आइडेंटिटी करते हैं अगली, ठीक है, ध्यान से करो, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो एक बार मैं इसको पूरे को एच स्क्वायर से डिवाइड कर चुका हूं, तो रिजल्ट क्या है वो मैं देख चुका हूं। अब मैं पूरे को पी स्क्वायर से डिवाइड करता हूं और रिजल्ट क्या आता है वो देखता हूं, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, डिवाइडेड डिवाइडेड होल इक्वेशन, होल मतलब इस पूरी इक्वेशन को, डिवाइडेड होल इक्वेशन बाई पी स्क्वायर, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को मैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ और रिजल्ट देखता हूँ क्या आता है। तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। इस पूरे को मैंने किससे डिवाइड किया, पी स्क्वायर से, ठीक है, ध्यान से देखो, पी स्क्वायर से, यहाँ पे भी पी स्क्वायर से और यहाँ पे भी पी स्क्वायर से, क्लियर है। तो यहाँ से देखो ये तो कट जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कितना आ जाएगा, वन। तो अब मेरा रिजल्ट क्या है, ध्यान से देखना, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, वन प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। ये आपने पता होगा कि ये दो स्क्वायर है तो दोनों के नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक।
अब हमने फार्मूले में, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अब आपको समझ में आ जाएगा मैंने स्टार्टिंग में सारे फार्मूले क्यों लिखे थे। पी अपोन एच तो हमारा होता है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये फर्दर इसको क्या लिख लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी एक हमारी आइडेंटिटीज़ है, ये भी हमारी एक आइडेंटिटी है, इस पर बॉक्स बना लेना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से इसको फर्दर मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ से इसको मैं ये लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, इस कोट को इधर ले आया तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये भी एक हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी मेरी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी पे देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा, अल्टीमेट कंसेप्चुअल क्वेश्चन और बोर्ड में पूछा हुआ है। इसको फर्दर मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू वन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, मैं इस पूरे को अपोन में ले जा रहा हूँ। ठीक है, अपोन में ले जाके क्या होगा, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे स्टार बना के चाहे तो लिख भी सकते हो, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू वन अपोन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे ये गिवन हो जैसे कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू के, ठीक है, अगर ये गिवन हो तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली वन अपॉन के हो जाएगी, मतलब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ फिर से, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू वन अपॉन के। कैसे आया, देखो मैं समझा देता हूँ आपको, ये वैल्यू मुझे गिवन है, ये वाली, ये पूरी वैल्यू। ठीक है, तो इस पूरी वैल्यू को इसकी जगह मैं लिख दूँ तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन के, और ये पूरा किसके बराबर है, इसके, तो मतलब कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, वन अपॉन के। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से? तो ये भी एक तरीके की हमारी आइडेंटिटी है, ध्यान रखना, इन सबको बॉक्स बनाते हुए चलना, क्वेश्चन में काम पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? अगर अब कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर मैं तो ये नहीं करूँगा, तो आप इसको भी अपॉन में ले जा सकते हो, जैसे कि ध्यान से देखना, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन अपॉन, ध्यान से देखना, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। क्लियर है यहाँ तक? कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा? तो ये भी मेरी एक तरीके की आइडेंटिटी है। अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। अगर मैं यहाँ पे, अगर मुझे ये दिया हो, जैसे गिवन हो, क्या गिवन हो, कि जैसे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू पी, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन अपॉन पी। कैसे हुआ भाई, ये वैल्यू पूरी पी के बराबर है, पी को यहाँ पे रख दो तो ये वन अपॉन पी आ जाएगा, तो वही, और वन अपॉन पी किसके बराबर है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के। आया समझ में? तो ये सारी मेरी आइडेंटिटी है, कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा पे सबका यूज पड़ेगा, और इस पे तो यकीन मानो सीधा चार चार पाँच पाँच नंबर के इतने बेहतरीन क्वेश्चन पूछे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ों को नोट डाउन करो और फिर उस पे A4 साइज पे लिखते हुए चलना, तब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इनको अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छे से समझना, अगला देखो क्या कह रहा है। ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब देखो, हमारे तीन वेरिएबल थे, तो एक बार हम एस से कर चुके हैं, एक बार पी से कर चुके हैं, अब बी स्क्वायर से करके देखते हैं। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड होल इक्वेशन बाई बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ध्यान से, और पूरे को किससे डिवाइड किया, बी स्क्वायर से, तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर। क्लियर है? इस बी से ये कट गया तो कितना गया, वन। तो अब मेरे पास क्या बचा है, ध्यान से देखना, एच अपोन बी, तो इसको ये लिख सकता हूँ मैं एच अपोन बी का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ, पी अपोन बी का होल स्क्वायर, और ये कट के कितना आ गया था, वन। अब आपको पता होगा एच अपोन बी क्या होता है, मेरा
sec थीटा के बराबर, ठीक है, sec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन बी टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ से अब ये अंदर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ठीक है। तो ये भी मेरी एक आइडेंटिटी बन गई, ठीक है, ध्यान रखना ये वाली, ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी है। अच्छे से समझ में आया। अब इसी को फर्दर मैं ये कर सकता हूँ कि इस टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो ये भी मेरी एक आइडेंटिटी है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। अब वही काम जो अभी मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा में किया था, वही काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इसको फर्दर मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन। क्लियर है यहाँ तक, क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना, इस पूरे को मैं अपॉन में ले जा रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे को मैं अपॉन में ले जा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, क्या आ जाएगा यहाँ से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सेम वही चीज़ कि अगर मेरे पास गिवन हो, क्या गिवन है, ध्यान से देखना, गिवन है जैसे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्यू, क्यू ले लिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना आ जाएगा, ये खुद ही से आ जाएगा वन अपॉन क्यू के। कैसे आया भाई, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पे क्यू रख दो, तो वन अपॉन क्यू किसके बराबर है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। आ गया समझ में। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मैं तो उसको बाहर ले अपॉन में ले जाऊँगा, ठीक है, आप इसको अपॉन में ले जाओ, इसको हटा दो, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको अपॉन में ले जा रहे हैं, इस पूरे को, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर है यहाँ तक, सेम वही चीज़ अगर मेरे पे ये गिवन हो, गिवन क्या हो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितने के बराबर हो, एम के, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन एम के। आया समझ में। तो ये सब हमारी आइडेंटिटीज़ है, आइडेंटिटीज़ का एक्सपेंशन है, बस आपको क्वेश्चन को देखना है और कैसे इसको अप्लाई करना है वो समझना है। अच्छे से समझ में आया, यहाँ तक हमारी ये सारी आइडेंटिटी हो गई। अब हम इन सबको क्वेश्चन में यूज करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के नोट डाउन करना। अब मैं इस पर कुछ बहुत अच्छे अच्छे आपको शानदार क्वेश्चन करवाता हूँ, नोट डाउन कर लो सारी चीज़ें जितनी बताई मैंने जल्दी से। अब देखो जो हमने पढ़ा है उन सबको अप्लाई करेंगे। ये तीन क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसी से शुरुआत कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ देखो, तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये वाला हमें क्या प्रूफ लिया दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस वन अपॉन कोस सेक थीटा प्लस वन इक्वल टू वन माइनस कोस थीटा और वन प्लस कोस थीटा, ठीक है। सेक दिया हुआ है और कोस में आंसर लाना है, तो हमें पता है कि भाई कोस थीटा जो होता है वो वन अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है, या सेक थीटा जो होता है वो वन अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। इसी को यूज करना है ना, तो क्या लिख रहा हूँ मैं इसी क्वेश्चन में, क्या लिख रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने सेक थीटा माइनस वन अपॉन सेक थीटा प्लस वन इक्वल टू वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, LHS लेके उसको RHS के इक्वल कर देता हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ, इस वाले हिस्से को ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, टेकिंग LHS, ठीक है। LHS मतलब ये वाला हिस्सा क्या है, sec थीटा माइनस वन अपॉन sec थीटा प्लस वन, ठीक है। मुझे sec से cosec में जाना है, तो sec और cos का क्या रिलेशन होता है वो, तो मैं sec थीटा की जगह वन अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ। तो क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, इस sec थीटा की जगह, इस वाले sec थीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, वन अपॉन cos थीटा। तो वन अपॉन cos थीटा माइनस वन अपॉन में वन प्लस वो वन अपॉन वन cos थीटा प्लस वन, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, वन लगा देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन लगा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, सेम इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या आएगा ध्यान से देखो, वन इंटू वन मतलब वन, माइनस वन वन इंटू कोस थीटा मतलब कोस थीटा, और पूरे के नीचे में क्या आएगा, ये वाला कोस थीटा, ठीक है, अपोन में पूरे के नीचे में, ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वन इंटू वन मतलब वन प्लस वन इंटू कोस थीटा मतलब कोस थीटा, और पूरे के अपोन में क्या आएगा, कोस थीटा, ठीक है। तो देखो इस कोस थीटा टेस ये कोस थीटा कट गया, तो क्या आंसर आ गया, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये तो कट ही गया, तो आंसर क्या आ गया, वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा। अब कुछ कुछ मुझे यही आंसर लाना था, हो गया प्रूफ, तो देख लिया कितनी आसानी से मैंने दिमाग लगा के समझ के इसको सोल्व कर दिया। इस तरीके से आप भी कर सकते हो, आया समझ में अच्छे से आपको? तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया, सेम यही क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ पे कोसेक की जगह आपको वन अपॉन साइन रखना है और सेम इसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला मैं करवा रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये लाजवाब क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, ठीक है। थर्ड मैं करवा रहा हूँ आपको, थर्ड क्वेश्चन देखो, ठीक है, ठीक है, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये मैं कर रहा हूँ, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है मेरे को, साइन थीटा टेन थीटा अपोन में वन माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू, क्या लाना है मुझे, वन प्लस सेक थीटा, ठीक है, ठीक है। अभी हम जस्ट पढ़ के आए थे सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा जो होता है वो वन अपोन कोस थीटा के होता है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे में अगर मैं कोस में सबको कोस में बदल दूं और तब उसको किसी तरीके से सोल्व करूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको तो मैं बदल नहीं सकता, यह तो ऑलरेडी कोस में है, इस साइन को मैं यही रखता हूं, इस टेन में को मैं बदल सकता हूं, कैसे, ध्यान से देखो, तो इस साइन थीटा को तो ऐसे ही रखा मैंने, साइन थीटा इंटू इस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। आपको पता होना स्टार्टिंग में ही मैंने लिखवाया था टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा ये वन माइनस कोस थीटा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या? अब साइन थीटा और साइन थीटा मिलके कितना हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा, जिसके नीचे कुछ नहीं है वन लगा दो, तो ऊपर की ऊपर से नीचे की नीचे से, तो कितना हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और पूरे के अपॉन में वन माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब देखो इसके नीचे भी कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो वन होता है, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू वन माइनस कोस थीटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे आंसर में साइन भी नहीं चाहिए, कोस में आंसर चाहिए, तो अभी हम एक आइडेंटिटी पढ़ के आए थे, याद करो शुरू में साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आई बात समझ में, तो उसी का ये फर्दर एक्सपेंशन है, तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू वन माइनस कोस थीटा, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, तो आंसर में मुझे नीचे अपॉन में कुछ नहीं चाहिए, तो अपॉन वाली टर्म्स ये हटानी पड़ेगी। अब उसको हटाने का क्या तरीका है, इसको फर्दर में क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इधर मैं लिख रहा हूँ इसको, इसको स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ फर्क पड़ा नहीं, तो इसको फर्दर से मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस कोस थीटा और वन प्लस कोस थीटा अपॉन में क्या है, ध्यान से देखो, कोस थीटा इंटू वन माइनस कोस थीटा, ठीक है, ये आ गया समझ में यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, तो हमारी समस्या सोल्व हो गई, कैसे, इस पूरे से ये पूरा कट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखना, वन प्लस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको मैं समझाता हूँ, कैसे, एग्जांपल से समझो, जैसे मैंने ये लिखा टेन प्लस फोर अपॉन टू, तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर्टीन अपॉन टू मतलब सेवन, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर ये लिख दूँ, टेन अपॉन टू प्लस फोर अपॉन टू, इसका भी आंसर सेवन आएगा, कैसे, देखो टू वन जा टू फाइव जा टू वन जा टू टू जा, तो फाइव प्लस टू कितना हो गया, ये भी सेवन, तो दोनों तरीके से कर दिया तो आंसर में कोई फर्क पड़ा नहीं। अब यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे, ध्यान से देखना, ये अपॉन में है और अपॉन में मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसके नीचे रख लूँगा, तो वन अपॉन कोस थीटा प्लस
कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर है ये, समझ में आ गया वही वाला रूल 10+4/2 वाला, ठीक है समझ में आ गया अच्छे से। अब ध्यान से देखो, इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कट के कितना गया 1, ठीक है, और 1/cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ वहाँ से देखो sec थीटा, मतलब क्या आ जाएगा sec थीटा प्लस 1। और ध्यान से देखो यही हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, ठीक है। 3+2 करो या 2+3 करो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छे से समझ में आया, तो देख लिया कैसे आइडेंटिटी लगा के मैं क्वेश्चन को कितनी आसानी से सोल्व कर रहा हूँ। इस तरीके से आप भी कर सकते हो, बस टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि आप बिल्कुल कूल होके जो फार्मूले मैंने बताए उनको एक सीट पे लिख लो और सामने आँख के सामने रखो और देखो, थिंक करो हल्का सा, देखो आपको सोचना पड़ेगा। इस चैप्टर की खासियत यही है कि बिना थिंक करे इसको आप क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं सकते। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कर लो, 100-200 क्वेश्चन कर लो, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ढूंढ ढूंढ के करो, आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन को कैसे करते हैं। लेकिन उसके साथ आपके सामने फॉर्मूले भी होने चाहिए, जितनी आइडेंटिटी लिखी और जितने मैंने फॉर्मूले लिखे टोटल सब आपको याद होने चाहिए। अच्छे से समझ में, नोट डाउन करो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं इस पे जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, करेंगे कैसे इसको ध्यान से समझेंगे। देखो क्वेश्चन करने से पहले हमारी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन को हम टैकल कैसे करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, कुछ भी चीज यहां जैसे ये देख के लिखा हुआ है, इन पूरे का प्रोडक्ट 1 कब आएगा, ठीक है, पहले हमें ये क्लियर होनी चाहिए। तो बचपन में आपने मैथ पढ़ी होगी कि एक्स अपॉन एक्स हम करते हैं तो ये 1 आता है, मतलब दोनों चीज़ें सेम सेम होनी चाहिए, यानी रेसिप्रोकल होनी चाहिए, तभी उसका प्रोडक्ट 1 आएगा, वरना और कोई तरीका नहीं है। या फिर एक और तरीका ये है कि भाई 2-1 कर दो तो भी 1 आएगा, 3-2 कर दो तो भी 1 आएगा, या डिवाइड कर दो तो भी 1 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें डिवाइड ही करना है। अब डिवाइड करने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखो ध्यान से मैं आपको पहले ये क्वेश्चन बता देता हूँ, पहला और तीसरा, दूसरा आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं और मेरी अप्रोच क्या रहेगी वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। मैंने क्या लिया, 1-cos²θ = ध्यान से देखो ब्रैकेट में cosec² θ = 1। अब इसको करने का फंडा क्या है ध्यान से समझना, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, sin²θ = 1-cos²θ, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि cosec²θ जो होता है वो 1/sin²θ के, ये नहीं पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ा था। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये cosec²θ = 1/sin²θ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इसी का यूज करेंगे। तो देखो ध्यान से, इस पूरे को मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, v नो डेट करके लिखना है। तो इस पूरे की जगह ध्यान से देखो, 1-cos²θ की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, sin²θ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इंटू 1/cosec²θ, मतलब cosec²θ की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 1/sin²θ, तो 1/sin²θ, क्लियर है। इस पूरे से ये पूरा कट गया, आ गया 1, यही हमें प्रूव करना था। तो देख लिया, एक लाइन का क्वेश्चन था, कैसे मैंने इसको बहुत आसानी से प्रूफ कर दिया। लेकिन मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो एक्सपीरियंस है, आप लोग कैसे करोगे। तो आपके लिए सबसे बढ़िया फंडा मैंने बताया था कि सारे फार्मूले देखो, उसको जितनी क्वेश्चन ट्राई करो फार्मूले पे एक बार नज़र मारो और तब जाके अप्रोच करो कि भाई हम कैसे लिख रहे हैं। आई बात समझ में, अच्छे से नोट डाउन करो। सिमिलर सेम यही वाला क्वेश्चन अब मैं एक और करवा रहा हूँ, कौन सा, सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, थर्ड मैं करवा देता हूँ, सेकेंड आपको करना है, ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड क्या लिखा हुआ है, sec²θ - 1 cot²θ = 1 लाना है, ठीक है। अब इसके लिए हमारे अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमने पढ़ा था sec²θ = 1+tan²θ पढ़ा था, इस 1 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये sec²θ - 1 = 10²θ, क्लियर है अच्छे से। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, एक और पढ़ा था हमने कि 10θ जो होता है वो 1/cot θ के बराबर होता है, या cot θ जो होता है वो 1/10 के बराबर होता है, ठीक है, 10θ के दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या जाएगा, यहाँ से cot²θ = 1/10²θ, क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, sec²θ - 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10²θ, ठीक है, ध्यान से देखो, इस पूरे की जगह
इस पूरी की जगह यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इस पूरी की जगह टेन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू, अब इस पूरी की जगह ध्यान से देखो, टेन स्क्वायर इस कोट स्क्वायर थीटा, इस कोट स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा के, ठीक है, इक्वल टू में है, तो इस पूरी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इस पूरे से ये पूरा कट गया तो कितना आ गया, वन, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, प्रूव्ड वन के इक्वली प्रूफ करना था ना, देखो। तो इस तरीके से आप इसको लाइन टू लाइन अच्छे से आप भी कर सकते हो, बिल्कुल सोच समझ के, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और बहुत अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इन्हीं क्वेश्चन को करके आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होगी, आई बात समझ में, तो सारे क्वेश्चनों को दोबारा से देख लो, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, असंभव टास्क है, ठीक है, तो अच्छे से देखना और मिलते हैं और क्वेश्चन में, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब देखो हम कुछ अब नए नए क्वेश्चन करते हैं लेवल वाले, ठीक है, थोड़े से ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, मतलब धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे ताकि आपको अब प्रैक्टिस हो जाए और आपको समझ में आने लग जाए कि हम क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, कोसेके वन प्लस कोसे कोसेके माइनस कोटे वन। अब देखो सबसे पहले दिमाग में हमें ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे वन कैसे लाना है, तो वन लाने के दो तरीके हैं, या तो ये सब आपस में कट फट जाए या अपोन में कुछ ले आओ, जैसे एक्स अपोन एक्स कट के वन आता है ना, या ऊपर कोस से प्लस साइन है और नीचे कोस से प्लस साइन है, इस तरीके से कट के वन आता है, ठीक है, तो हमें वो अप्रोच होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं और फिर ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन ले लिया ये वाला, ठीक है, पहला क्या लिखा हुआ है, गिवन, जो गिवन है वो लिख लो, गिवन क्या है, कोसे के, और यहाँ पे क्या है, वन प्लस कोसे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कोसेक ए कोसेक ए माइनस कोट, ठीक है। अब आपको देखो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सिंपल सा है, कोसेक ए क्या होता है, देखो यहाँ पे कोने में लिख देता हूँ, कोसेक ए इक्वल टू वन अपॉन साइन ए, ठीक है, और कोटे क्या होता है, कोटे भी क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन ए है और इसके डिनोमिनेटर में भी साइन ए है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में साइन ए है, तो साइन ए सब में आ रहा है, तो क्यों ना इसको साइन ए ले आते हैं, तो इसको बदल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इस पूरी जगह में क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, वन अपॉन साइन ए, ठीक है, और ये ऐसे ही रहा वन प्लस कोसे, ठीक है। अब इसको क्यों नहीं बदला, देखो इसको बदल के कोई फायदा नहीं है, अगर वन अपॉन सेक ए करोगे तो फिर सेक ए प्लस सेक ए प्लस वन अपॉन सेक ए आ जाएगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। और इस कोसेक ए को क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, यहां से वन अपॉन साइन ए माइनस कोसे अपॉन साइन ए, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां पे हमें आइडिया मिल गया, क्या आइडिया मिल गया, यहां पे पूरे के में के ऊपर क्या लिख रहा है, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन लगा दो, तो वन की इस पूरे से तो यही आ जाएगा, और साइन ए की इससे तो क्या आ जाएगा, वन प्लस कोसे अपॉन साइन ए, ठीक है, ये तो इस ब्रैकेट का आया, इसको सोल्व करके, और इसको सोल्व करेंगे तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर जैसे लिखे हैं प्लस माइनस वैसे लिख देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, वन माइनस कोसे अपॉन साइन ए, ठीक है, क्लियर है अच्छे से, मल्टीप्लाई में है। अब ध्यान से देखो, तो ये कुछ कुछ ये वाला, ये कुछ कुछ मेरा क्या फार्मूला बन गया, ए प्लस बी, और ये कुछ कुछ क्या बन गया, ए माइनस बी, ठीक है, दिख गया, वन की जगह ए है और कोस ए की जगह बी है, वन की जगह एक है और वो ए की जगह वन है और कोस बी की जगह कोस ए है, ठीक है, तो ऊपर क्या फार्मूला हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, अब इनकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, ठीक है, कि हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ये इन दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर ए हो जाएगी, क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसके नीचे ये स्क्वायर हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें पता है, हमने क्या पढ़ा था कि ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो यहाँ से मैं इस वन को उधर ले गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए आ रहा है, तो वन माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, तो यहाँ से इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए, और नीचे भी क्या आ रहा है, साइन
स्क्वायर है। तो देखो मैंने क्या बताया था कि ऊपर नीचे सेम सेम ले आओ, कट जाओ, यहाँ पे सेम सेम आ गया तो कट के कितना जाएगा, ये इससे कट के कितना गया, वन। और यही हमें प्रूफ करना था। आई बात समझ में? तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्या अप्रोच रखी मैंने, कैसे बेसिकली सोल्व किया, कैसे मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। ये भी आप अगर लिखते हुए चलोगे तो आप भी ऐसे ही कर पाओगे आसानी से। तो ये सब चीज़ें आप कोने में लिखते हुए चलना और क्वेश्चन को सोल्व करना। आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। 1 प्लस को से 1 माइनस को से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ कुछ ये फार्मूला दिख गया। क्या फार्मूला दिख गया? a प्लस बी ए माइनस बी। आया समय? मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या हो गया a प्लस बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये a माइनस बी, ठीक है। तो ये मिलके कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर a। यहाँ तक ये समझ में आया? और ये क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर a, ठीक है। अब इसका 1 का स्क्वायर हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट अभी हमने पढ़ा था 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए की जगह। आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो वहां से अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले गया तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यहां से कितना आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए, ये एक ब्रैकेट में, और यहां पे क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखो, अब फिर कोट का रिलेशन साइन कोस और साइन में होता है। तो इस कोट को मैं कोस अपॉन साइन लिख सकता हूं, तो देखो क्या आ जाएगा यहां से, तो यहां से कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस, ध्यान से देखना, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर है यहां तक? अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 लगा के इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, तो हमें हमारा आंसर मिल गया, ये पूरा हिस्से कट गया, ठीक है। और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, आइडेंटिटी है ये, इस पूरे की वैल्यू होती है 1, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन को देखने में ही क्वेश्चन डरावने डरावने लग रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करके करते चले जाओ तो सारे आंसर आते चले जाएंगे, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। आई बात समझ में? नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन, नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या दिया हुआ है, सेके प्लस को से सेके माइनस को से, और हमें क्या लाना है, टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी, अलग से पढ़ के लिख के बता देता हूँ, देखो ध्यान से, क्या था वो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या क्या आया था यहाँ से, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। या यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर ले आया और 10 को इधर ले गया, माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी मुझे यहाँ पे सेके सेके है और कोसे कोसे है, तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये लाना पड़ेगा और उसी जगह मैं साइन स्क्वायर ए लिख दूंगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये लाना होगा और उसी जगह मैं टेन स्क्वायर ए लिख दूँ, टेन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, कुछ करना ही नहीं है, आराम से देखो। यहाँ पे देखो तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख गया आपको आराम से, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला दिख गया ना, क्या होता है ये, sec स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, दिख गया यहाँ तक अच्छे से, कोई समस्या नहीं है ना। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे साइन का ही खेल है, वरना आप गलत कर दोगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखना माइनस, इसको ऐसे लिखना, ठीक है। क्यों लिखा मैंने, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब sec स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वहां से sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मतलब इस पूरी की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में, ठीक है। माइनस, ध्यान देखो, cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहां से देखो, यहां से इस 1 को मैं इधर ले आया, ऐसे इस 1 को इधर ले आया, और ये एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मतलब कितना आएगा ये साइन, ये एक मिनट, ये इस साइन को उधर ले गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। आया समझ में? तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है।
अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा यहां से, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये माइनस गया, तो माइनस का वन और माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर ए। तो देखो ध्यान से, इस वन से ये वन कट गया, तो क्या आ गया मेरे पास, टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्लियर है यहां तक, यही हमें प्रूफ करना था। अब देखो, अगर आप ये ना लगाते तो आप कैसे लिखते, ध्यान से देखो, आप इसको ऐसे लिखते, इस कोस की जगह यहां पे आप क्या लिखते, ये लिखते ऐसे, और इसकी जगह आप क्या लिखते, ये माइनस वन लिखते, और ये ऐसे ही रखते, आप इसका साइन ना बदलते, तो ये दोनों माइनस हो जाते, फिर आपको आंसर ही ना मिल के देता, आई बात समझे। तो इसलिए मैंने ये माइनस ब्रैकेट के अंदर लिया, आया समझे, ताकि ये माइनस अंदर जाके माइनस कर दे और माइनस माइनस प्लस, तो एग्जाम में आप यहाँ पे पजल्स ना हो जाए, अपना टाइम वेस्ट ना करो, इसलिए ब्रैकेट का सही से इस्तेमाल करना है। आया समझ में, नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बहुत बड़ी गलती क्या करते हो, क्वेश्चन देखा और पेन उठा के सोल्व करने लग गए, आप थिंक नहीं करते हो, थिंक इन द सेंस कंसेप्ट नहीं समझते हो कि उसके पीछे कंसेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या लॉजिक है, यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर में है वो सेकंड वाले में डिनोमिनेटर में है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ये डिनोमिनेटर में है वो फर्स्ट वाले में न्यूमरेटर में है। तो जब भी ऐसी कुछ फॉर्म आ जाए, ऐसी मतलब इस तरह का, एक्स अपॉन वाई प्लस y अपॉन एक्स, कुछ कुछ यही है ये, तो इसको करने का क्या तरीका है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, कोने में कहीं लिख लेना, कुछ कुछ यही है ऐसा। तो डायरेक्ट मैं यहां से कैसे लिख सकता हूं, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या आ जाएगा ये वन प्लस साइन ए, और यहां से भी क्या आ जाएगा ये वन प्लस साइन ए, ठीक है, फिर बीच में क्या है प्लस कोसे इंटू कोसे, ठीक है आ गया, और पूरे के अपोन में क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा कोसे और ब्रैकेट में वन प्लस साइन ए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये, अब मुझे यहाँ पे सेक लाना है, तो सेक लाने के लिए क्या करना होगा, हमें पता है कि भाई कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू वन अपोन सेक थीटा, या सेक थीटा क्या होता है वन अपोन कोस थीटा, तो मैं कहीं पे अगर इस टू के नीचे वन अपॉन कोस थीटा ले आऊं तो उसको मैं सेक थीटा लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा, है ना, लेकिन ये सेक लाना है तो मुझे मतलब कोस वाले बचाने हैं और साइन वाले सारे हटाने हैं, ठीक है, यही इसका लॉजिक है, मतलब कहीं ना कहीं नीचे कोस बचाना पड़ेगा, मतलब इस वाले कोस को मुझे बचा के रखना पड़ेगा, क्यों, तभी तो ये वन अपॉन कोस हो गया और सेक ये हो गया, और ये पूरा कटफट के कहीं ना कहीं से टू लाना है। तो देखो अब ध्यान से, ये इस पूरे को अगर मैं ध्यान से देखो, है ना, इस पूरे को अगर मैं x मान लूं और ये इस पूरे को भी x मान लूं, तो x और x मिलके क्या हो जाएंगे x स्क्वायर, मतलब यहां से ये क्या बन जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहां से प्लस का कोस ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में नीचे में जो है वो तो हमारा चलता ही रहेगा, क्या है कोस ए और वन प्लस साइन ए। क्लियर है यहां तक, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया अच्छे से। अब इसको सोल्व करते हैं फर्दर, देखो ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब क्या आ जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए प्लस, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा ये कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, और नीचे वाले को नहीं छेड़ेंगे एज इट इज रखेंगे, तो कोस से तो ऐसे ही रहा और ये क्या है वन प्लस साइन ए। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। अब ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, रीअरेंज मतलब आगे पीछे लिख रहा हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वन प्लस, ध्यान से देखो, इस कोस को इसके साथ जोड़ देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए, आया समझ में आता अच्छे से, और ये कितना हो जाएगा कोस ए और वन प्लस साइन ए, आया समझ में। अब ध्यान से देखो, तो ये दोनों मिलके ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है वन, तो इस पूरे की जगह मैं वन लिख सकता हूँ, तो यहाँ से कितना जाएगा ध्यान से देखो वन प्लस टू साइन ए, और अपॉन में क्या आ रहा है कोसे और वन प्लस साइन ए। क्लियर है यहाँ तक, वन और वन मिलके टू, तो ये कितना हो जाएगा टू प्लस
टू साइन ए और ब्रैकेट में क्या है कोस ए वन प्लस साइन ए। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया। देखो ज्यादा स्टेप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, शॉर्टकट में समझाऊंगा तो आपके नंबर भी शॉर्टकट में आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गलती कहां से पे हो रही है पेपर में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इस पूरे में से टू कॉमन आ रहा है तो टू को मैंने बाहर निकाल दिया, क्या बचा वन प्लस साइन ए और अपोन में क्या आएगा कोस ए और ये क्या है वन प्लस साइन ए। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखो, तो इस पूरे से ये पूरा कट गया तो ये क्या बचा मेरे पास टू अपॉन कोस ए, जिसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं टू इंटू वन अपॉन कोस ए। ठीक है, ये लिख सकता हूं और इस पूरे को फिर से मैं क्या लिख सकता हूं टू सेक ए, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो देख लिया कितने आसानी से स्टेप बाय स्टेप मैं सोल्व करते चला गया और आंसर आता चला गया। तो इस तरीके से आप भी इसको एग्जाम में सोल्व कर सकते हो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस जो मैंने फंडे बताए हैं उसको याद रखना। आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मिटा देता हूं। ठीक है, अच्छे से, ठीक है, समझ में आया। अब इसको मिटा के अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आपका समय बचे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या लाना है जो होता है वो वन अपॉन कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे वन अपॉन कोस स्क्वायर ए लाना पड़ेगा और कोस स्क्वायर ए का कोस स्क्वायर थीटा का रिलेशन जो होता है वो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा। मतलब आइडिया लग गया मुझे कि कहीं ना कहीं ऐसे करना होगा, तो कैसे करें सर? कुछ नहीं करना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, ध्यान से देखना, और इसकी मल्टीप्लाई इधर और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कैसे लिख रहा हूं मैं ध्यान से देखना, वन प्लस साइन ए, ठीक है ध्यान से देखना, प्लस वन प्लस, ओ प्लस नहीं है ये माइनस है, माइनस तो, और वन प्लस साइन ए अपोन में क्या आएगा वन प्लस साइन ए और यहां से क्या आ जाएगा वन माइनस साइन ए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ब्रैकेट खोल दो तो क्या आएगा वन माइनस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए। ठीक है, और नीचे देखो ध्यान से, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, वन का स्क्वायर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां देखो इससे ये कट गया तो वन प्लस वन टू, तो टू अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब वहां पे मैंने लिख रखा है वन माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं ध्यान से देखो, तो टू अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और फर्दर इसको मैं ये लिख सकता हूं टू इंटू वन अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और इस कोस स्क्वायर ए को फर्दर में क्या लिख सकता हूं सेक स्क्वायर ए, तो यहां से कितना आ जाएगा मेरा ये टू सेक स्क्वायर ए, हेंस प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्लियर है यहां तक? अप्रोच क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन को कैसे मैंने सोल्व किया? बिल्कुल एक एक स्टेप ऐसे ही आपको एग्जाम में सोल्व करते हुए चलना है और थिंक करके चलते रहना है और करते रहना है। अच्छे समझ में आया, नोट डाउन करो और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी कुछ कुछ वैसा ही है, थोड़ा सा माइनर सा चेंज है इसमें। ठीक है, हमें क्या लाना है सेक स्क्वायर ए। तो देखो अभी बताया था मैंने सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए जो होगा वो वन अपॉन कोस स्क्वायर ए के बराबर होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये लाना होगा। ठीक है, और कोस स्क्वायर ए का रिलेशन किसके साथ होता है, इसके साथ वन माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब कहीं ना कहीं ये लाना होगा, उसको मैं ये लिख सकता हूं और उसको फिर ये लिख सकता हूं और इसको ये लिख सकता हूं। ठीक है, मतलब इन्हीं आइडेंटिटी का खेल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन को ब्लाइंडली गधा मजदूरी नहीं करना है, ऊपर से यहां पे भी कोसेक ए है और यहां पे भी कोसेक ए है, तो क्यों ना पहले इसको पूरे में से कॉमन ले लूं, तो बाहर क्या आ जाएगा ध्यान से देखना, गधा मजदूरी से हमें बचना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा कोसेक ए बाहर आ गया, क्या बचेगा यहां पे वन अपॉन कोसेक ए माइनस वन और प्लस वन अपॉन कोसेक ए प्लस वन। ठीक है, अब कुछ कुछ ये कुछ पुराने सवाल के जैसा हो गया, जैसे अभी मैंने बताया था कैसे इसकी मल्टीप्लाई इधर, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई
इधर, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब इस पूरे की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, वही करना है। तो देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, कोसेक ए ब्रैकेट में, ठीक है, क्या आएगा, कोसेक ए प्लस वन प्लस, अलग मार्कर से लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोसेक ए माइनस वन, ठीक है, और अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या, कोसेक कोसेक ए माइनस वन, और इधर से क्या आएगा, कोसेक ए प्लस वन, ठीक है। और ध्यान से देखो, तो इस वन से ये वन कट गया, यहाँ से कितना आया, कोसेक ए, ठीक है, और इन दोनों को मिला दो तो टू कोसेक ए, क्लियर है यहाँ तक। अब नीचे ध्यान से देखो, कुछ कुछ फार्मूला बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब हमें पता है एक आइडेंटिटी होती है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो इस वन को इधर ले आया मैं, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, मतलब इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा। तो और देखो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, टू तो ऐसे ही रहा, कोसेक स्क्वायर है कोसेक है कोसेक है, मतलब टू कोसेक स्क्वायर है, टू कोसेक स्क्वायर ए, अपोन में क्या आएगा ये, कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब मुझे आंसर में तो सेक चाहिए, तो सेक कैसे आएगा, ध्यान से देखो, अब इसको फिर से फर्दर चेंज कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखना, कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटीज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो टेबल अपने सामने रखो, ठीक है, उस टेबल का बहुत यूज है। तो ये टू ऐसे ही रहा, इस कोसेक को देखो मैं अलग मार्कर से लिख देता हूँ, इस वाले कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपोन साइन स्क्वायर ए, वन अपोन साइन स्क्वायर ए, अपोन में ध्यान से देखो, इस कोट की जगह, इस वाले कोट स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर ए अपोन साइन स्क्वायर ए, क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ध्यान से देखना, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, तो ऊपर टू है तो टू इंटू साइन स्क्वायर ए क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, तो टू इंटू साइन स्क्वायर ए अपोन में, देखो एक साइन स्क्वायर ये नीचे वाला है, एक साइन स्क्वायर ये रहा, ठीक है, मैं अलग मार्कर से लिख देता हूँ, ये नीचे वाला नीले ही मार्कर से, साइन स्क्वायर ए इंटू ये जाएगा तो कोस स्क्वायर ए, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इससे ये कट गया तो क्या आया, टू इंटू वन अपोन कोस स्क्वायर ए, और इस पूरे को फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, टू सेक स्क्वायर ए, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो देख लिया कैसे आसानी से मैं कितनी तेजी से करते जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से आती है। जिस दिन आप आइडेंटिटी से खेलना सीख गए, क्वेश्चन आपको बच्चों की तरह लगेंगे, जैसे ऐसे मजाक में सोल्व होंगे, लेकिन उसके लिए आपको अथक प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। अच्छे से देखना, एक एक क्वेश्चन समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।